सब आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई। हमें सीख नहीं मिल पाता अगर तो हम घर में उसको कैसे बनाएंगे वो चीज़ आज हम बनाने वाले हैं। तो हमने उसके लिए 300 ग्राम मुर्गा ले लिया है, ये थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, जब तक हम ये मसाले मेल्ट करेंगे जब तक हम ये कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं थोड़ी सी तेल डाल के। ये हमने तैनात का मीट मसाला ले लिया है, चिकन मसाला, इसमें से थोड़ी सी डालेंगे। ये देखिए थोड़ी सी इसमें से डालेंगे, हल्का सा हल्दी, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये हल्का सा अदरक लहसुन का पेस्ट आराम से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सा बेसन एक चम्मच, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब इसे हम कम तेल डाल के, ये देखिए दोस्तों इसमें हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये हम ऐसे डाल देंगे, हमारा तेल गर्म हो चुका है आप देख सकते हैं। ये देखिए अब हम इसे डाल के ऐसे छोड़ देंगे और हम इसे पका लेंगे धीमी आंच। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें और लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखें। अब ये हम पलट देंगे इसे दोस्तों, वैसे ही धीमी आंच पे ही ये पकेगा, जिससे हमारा चिकन जो बड़े बड़े पीस में आया है वो अच्छी तरह से पक जाएगा और मसाला भी मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह। फिर हम इसे धीमी आंच पे छोड़ देंगे थोड़ा सा, अभी से तेज आंच पर फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों। आप इस तरीके से फ्राई करिए चिकन और खाइए और मौसम का लुत्फ उठाइए।
गाढ़े तेल का भी इसमें खर्च नहीं है दोस्तों, तेल में ही ये काम हो जाएगा, ना इसमें प्याज एक्स्ट्रा चाहिए ना कुछ, और जो भी हमारे पास घर में मसाले पड़े हैं उसी से हम बना लेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है दोस्तों, कितना अच्छा हमारा क्रिस्पी चिकन तैयार हुआ है, आप भी ट्राई करिए और बताइए हमें कमेंट में लिख के कि कैसा हुआ है, और मौसम का लुत्फ़ तो उठाइए और वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए।